completely different, and Nandita ma'am ne aapko convince bhi kiya regarding this. So wo convincing process, you know, process kaisa tha, like kuch negotiations hue the beech mein ya kya tha? And the second part is ki yahan pe trailer pe portion tha jahan pe aap bolte ho ki, you know, sir agar main aapke sath selfie khichwa sakta hu to mujhe 10 rupees extra milenge. I'm sure you being a celebrity, aapke paas bhi log bahut sare selfie request leke aate hain ye bol ke ki sir aapke sath agar photo hoga to mujhe ye milega, ye ho jayega. To kuch funny incident usko leke main bol sakta hu sir aap. आपके पहले क्वेश्चन पे मैं आता हूँ कि नंदिता मैम ने जब इस फिल्म के लिए मुझे अप्रोच किया तो आई थिंक कोई हमारा क्योंकि मैं इनके काम का फैन रहा हूँ, यू नो, जैसे मैंने अभी बताया, तो 50% तो मैं वैसे ही अंदर से मान चुका था कि ये जो भी लाएंगे, बिकॉज जब आप किसी को बड़ा एडमायर करते हैं, जब आप किसी के काम को बहुत पसंद करते हैं, तो एक भरोसा होता है कि ये जो भी करेंगी, क्योंकि बहुत लिमिटेड करते हैं, ऐसा नहीं कि हर साल दो फिल्में बनाती हैं, ये अपने प्रोजेक्ट को पूरा टाइम देती हैं. और कहीं ना कहीं मुझे ये था कि अगर ये ऐसा सोच रही हैं तो कुछ अच्छा ही सोचा होगा. फिर जब हमारी मुलाकात हुई, जब इन्होंने ये कहानी शेयर की, सो मुझे मुझे ये लगा कि शायद मेरे लिए ये लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे कि कोई सीरियसली लेता नहीं है, है ना. मेरी बीवी ने भी शादी के एक दो साल बाद सीरियस लिया जब हम बाप बन गया ना, उसके पहले वो भी सीरियसली नहीं लेती थी. तो जब तक हम लोग कुछ करते नहीं है, वैसा कुछ अलग ना करें, तो लोग भी आपको, यू नो, वो सो एक ये नंदिता मैम को और समीर सर को मैं अगेन उनको थैंक्स कहूँगा कि इन्होंने मुझ पर बिलीव किया. और नंदिता मैम के बारे में एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि इन्होंने जब मुझे पहली बार इन्होंने मुझे कहानी सुनाई, मैंने कहा मैम व्हाई मी, मैं ही क्यों, तो इन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली. मुझे समझ में नहीं आया थोड़ी देर कि वो मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट है कि या मेरी इंसल्ट हुई है. मैंने कहा Why me? कहती देखो इस फिल्म के लिए अगर मुझे ग्लोबल स्टार शाहरुख खान भी हाँ करेंगे ना तो मैं उनको भी नहीं लूंगी. मैं कहा फिर मैं क्यों, क्योंकि तुम्हारा चेहरा कहती आम आदमी जैसा है, तुम कहीं के भी लगते हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम मेरे कैरेक्टर के लिए सूटेबल हो. सो बाकी जैसे मैंने कहा कि ये लाइफ जो है हमने बहुत करीब से देखी है, हम वैसी हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, सो इतना मुश्किल नहीं था. और दूसरा सेल्फी वाला, हाँ मतलब मुझे, मैं बड़ा इंजॉय करता हूँ जब लोग सेल्फी लेते ना, क्योंकि यही इसी के लिए तो हम लोग काम मेहनत करके आए आगे तक. सो हाँ, ऐसा कोई नहीं बोलता कि आप मेरे साथ सेल्फी लोगे तो मुझे 10 रुपये मिलेंगे, क्योंकि मैं वो डिलीवरी मंगवाई नहीं किसी से. सो हाँ, हर लोगों का प्यार मिलता है तो अच्छा लगता है. ओके, मेरा सवाल इधर से, ट्रेलर लुक वेरी, यू नो, इट्स लुक सो इंप्रेसिव और वो कहीं जज्बाती तौर पर जोड़ता है. मैं हैरान हूँ कपिल शर्मा सर को देख के, जो शख्स हमेशा रुलाता हंसाता आया है उसे देख के तरस आ रहा है, और उतना, यू नो, यू डैन द स्किन ऑफ द कैरेक्टर. नंदिता मैम, आपसे पूछना चाहूंगा, पहले दिन, शूट के पहले दिन क्या ब्रीफ था किरदार को लेके कपिल सर को, और कपिल सर आपका क्या रिएक्शन था और कैसा रहा पहला दिन, द वेरी फर्स्ट डे? उसके पहले काफी बार मिल चुके थे, मैं इनके घर भी गई थी, ये भी आए थे, हम लोग स्क्रिप्ट पे बैठे थे, हमने बहुत सारी बातें भी की थी, तो ऐसा नहीं था कि बिल्कुल कुछ अनजान सिचुएशन में आ गए. कपिल की सबसे ज्यादा खासियत, आज वो इतने पॉपुलर क्यों है, मतलब सिर्फ एक 9 साल 10 साल, कितने साल हो गए आपके शो को, बहुत साल हो गए, 10 साल हो गए, 10 साल के बाद भी जब वो जिस तरह से रिलेट करते हैं उनकी ऑडियंस के साथ, जिस तरह उनकी हंसी आंखों तक पहुंचती है, तो ऑब्वियसली एक, आप अच्छे अगर इंसान हो, आप अगर लोगों की दुनियाओं से अभी भी जुड़े हुए हो, आप आम आदमी अब रहे नहीं, लेकिन आम आदमी की पूरी जर्नी के साथ आप अच्छी तरह से कनेक्टेड हो, तो उसमें बहुत कुछ सिखाने की जरूरत नहीं होती. और मैं एक्टर भी हूँ, इसलिए मुझे पता है कि ये जो स्किन में आना, चाहे शहाना की बात हो चाहे इनकी बात हो, ये दोनों, पहली बात तो बहुत ही उम्दा इंसान है, उसी से 50% ऑफ काम तो उसी से हो जाता है. दूसरी बात है कि दोनों जब समझते हैं अपनी अपनी भूमिका को, कैरेक्टर्स उनके लिए कुछ अलग दुनिया के लोग नहीं थे, यू नो, रिलेटेबल जब कैरेक्टर्स होते हैं तो इमोशंस तो यूनिवर्सल होती हैं. तो अगर आपको मैं कह दूं कि भाई इनका ये स्ट्रगल है, ये सीन है, जब ये एक बार कॉस्ट्यूम में आ जाते हैं, अपने कॉन्टेक्स्ट में आ जाते हैं, तो खुद ब खुद बहुत चीजें हो जाती हैं. और परफॉर्मेंस तो एक बहुत ही कोलैबोरेटिव प्रोसेस है, किसी ने अगर अच्छा परफॉर्मेंस किया आप बता नहीं पाएंगे कि वो एक्टर की वजह से था या डायरेक्टर की वजह से था या सही म्यूजिक कब टोन आया या एडिटिंग, तो ये कोलैबोरेशन से बनता है. तो इसमें सभी ने अपना अपना रोल बहुत मेहनत से और बहुत, आई थिंक, शिद्दत से, जिसे कहते हैं बहुत कमिटमेंट से निभाया है. सो ऐसा कोई इतना पहला दिन भी कोई ऐसा 25वें दिन से ज्यादा मुश्किल नहीं था. सर, कपिल सर, आपके लिए चैलेंजिंग क्या रहा?
सर फ्रैंकली मेरे लिए ज़्यादा कुछ ऐसा चैलेंजिंग नहीं था, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि इन्होंने हमारी बहुत सारी मीटिंग्स हुई थी, बहुत सारी रीडिंग्स हुई थी हमारी, तो मैं उसको समझना चाहता था। और जब फर्स्ट डे मैं सेट पे गया और मैंने वो कॉस्ट्यूम पहना, यू नो अपने आप कैरेक्टर में आते हो तो उस एम्बियंस में जाते हो जिस घर में हम लोग शूट करने वाले थे रियल लोकेशंस के ऊपर, तो वो चीज़ें आपको सपोर्ट करती हैं आपको उस कैरेक्टर में आने के लिए। और लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा, जैसे हम लोगों को लगता है, जैसे मैम ने कहा कि हम लोग अपनी, मैं अपने शहर से, मैं आज भी जाता हूँ अपने शहर में, अपने पुराने दोस्तों को मिलता हूँ, एक एक यू नो वहाँ पे उस शहर में क्या चल रहा है जिस शहर से हम 20 साल पहले आए थे, वो चीज़ें देखता रहता हूँ। लेकिन फिर भी कभी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हम जब इस शहर में आ गए, थोड़ा नाम हो गया, अच्छे पैसे कमाने लग गए, अच्छे कपड़े पहनने लग गए, एक सीन हम लोग एक शूट करने गए बस्ती में भुवनेश्वर में, वो जो खुशबू आई ना उस बस्ती के आसपास से, वो खुशबू मैंने बड़े साल बाद महसूस की। यू नो कभी आपके घर में पालक बन रही है और बगल वाले घर में कोई आलू मटर बन रहे हैं, वो मिक्स होके जो खुशबू आती है ना, तो वो मैंने बड़े साल बाद महसूस की, क्योंकि यहाँ पे अपने अपने फ्लैट हो गए, थोड़े और पैसे आ गए तो सिंगल फ्लोर हो गया तो नहीं आती है वो खुशबू। तो वो मैंने कई चीजें ऐसी महसूस की उस फिल्म के दौरान, और बाइक पे पूरा शहर मैंने घूमा और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। सो मेरे लिए शायद इतना मुश्किल नहीं था बिकॉज हमारा होमवर्क अच्छा था। हाय, दिस इज सोहेल, आपके लेफ्ट में कपिल, यहां लेफ्ट में। जी सर, सोहेल फ्रॉम एंशिएंट बॉलीवुड, कांग्रेचुलेशन टू द एंटायर टीम। सबसे पहले तो बहुत ही स्मार्ट लग रहे हो, एकदम स्लिम एंड फिट लग रहे हो, वेरी गुड टू सी यू, यू गोइंग यंग डे बाय डे। अरे मेरा सवाल था कि पिछली जो फिल्म थी उसके बाद एक लंबा सा गैप हो गया, डेफिनेटली यू आर डूइंग योर शो आल्सो, तो आप किस तरह से टोटली इसको मैनेज कर रहे थे, या फिर आपके कॉन्शियस डिसीजन था आपका एक फिल्म का भी उसके बाद यू नो एक अच्छी कोई स्क्रिप्ट आएगी, या फिर उसके बाद आई बी टेकिंग सम फिल्म, यू नो, और किस तरह की स्क्रिप्ट यू आर लुकिंग आउट फॉर? सर मुझे ना जो लोग स्ट्रेटजी बनाते हैं कि मेरी ये स्ट्रेटजी रहेगी इस फिल्म के बाद मैं ऐसी करूंगा, मैं फ्रैंकली बता रहा हूँ मेरी ऐसी कोई स्ट्रेटजी नहीं होती। सबसे पहली फिल्म जो मैंने करी थी, मेरे दोस्त और मेरे हम लोग साथ में काम कर रहे हैं अंकल गोस्वामी अभी भी यहाँ पे मौजूद है, इनकी लिखी हुई थी, क्योंकि हम लोग बहुत सारा समय साथ में बिताते हैं, तो इन्होंने जब मुझे सुनाई किस किस को प्यार करूँ तो मुझे मज़ेदार लगी, पहली फिल्म थी मज़ा आया। दूसरी फिल्म जो बनाई फिरंगी, वो मेरे दोस्त हैं राजीव, वो भी यहाँ पे मौजूद है, इन्होंने डायरेक्ट की थी, वो भी हमारा, हमने दिल से ही किया जो काम किया, कभी ऐसा सोच के नहीं किया, उसमें मैं प्रोड्यूसर खुद था फिरंगी के टाइम, तो हमने वो भी दिल से बनाया था प्रोजेक्ट, कभी ये सोच के नहीं किया कि अच्छा हम बिजनेस करने वाले हैं या इससे ये कमाई होगी, तो हम थोड़ा दिल से ही सोचते हैं। तो ये फिल्म भी जब नंदिता मैम ने सुनाई, ये भी दिल को ही लगी, तो ऐसा नहीं है कि क्योंकि टीवी पे इतना प्यार मिला है, 3 महीने के लिए हमने अपना शो बनाया था और इस साल उसको 10 साल हो गए हैं। तो जैसे आपने कहा ना कि सीरियस कैरेक्टर में आने के लिए भी लोग बिलीव नहीं करते कि नंदिता ने कैसे बिलीव किया, ये कॉमेडी में भी नहीं करते थे, तो जब चैनल को हमने अप्रोच किया, नो 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 24 एपिसोड्स आर इनफ, जो चलने लग गया तो फिर आई भी नहीं पूछने वो जो हमारी तो ऐसा होता है, और कहीं ना कहीं ऊपर वाला भी साथ देता है जब आप अपना काम शिद्दत से करते हो, मेहनत से करते हो, दिल से करते हो। सो ऐसी कोई स्ट्रेटेजी नहीं रही सर, दिल से जो चीज अच्छी लगी। टीवी में बड़ा मुश्किल होता है व्हेन यू प्रोड्यूस यू नो बाय वीकली शो, एवरी वीक यू हैव टू प्रोड्यूस 2 एपिसोड्स, और उन 2 एपिसोड्स के पीछे जो मेहनत लगती है उसमें अलग पूरा एक वीक जाता है, लेकिन जब हमें कुछ करना होता है तो हम लोग यू नो फिर उसको प्रायोरिटी बना लेते हैं, फिर चीजें मैनेज हो जाती हैं। इसके लिए भी हमने बैंक बनाया अपने शो का, ताकि पीछे टेलीकास्ट इशू ना आए, और एक दिल में था कि ये फिल्म हमने करनी करनी है, जब दिल हो तो हो जाता है। और एक सवाल है कि आपकी फिल्म के बाद बहुत चर्चा में थे यशराज की फिल्म को लेकर, यू नो कि यशराज इज गोइंग टू मेक अ फिल्म विद यू, हिंदुस्तान जिंदाबाद, आगे बढ़ते हैं। हेलो समीर जी, आई वुड लाइक टू आस्क यू, लाइक जैसे नंदिता जी ने एक शॉर्ट फिल्म को मतलब आपके पास लेकर आए थे, तो डेफिनेटली द थिंग वाज वेरी कन्विंसिंग, उसके बाद व्हेन शी रोट द स्क्रिप्ट हाउ डिड यू फाइंड एंड उसमें एनी चेंजेस फ्रॉम योर साइड आल्सो यू मेड इट, लाइक यू नो के soulful. मेरा सवाल यह है कि जहाँ पे कपिल शर्मा का नाम आया,
जहाँ पे आपका प्रेजेंस है तुरंत लोग सोचते हैं कॉमेडी, और जहाँ पे भी आप दिखते हो पीपल इमीडिएटली एक्सपेक्ट कि आप उनको काफ़ी हंसाओ। अभी ये फिल्म वैसी नहीं है, आपको कहीं ना कहीं जब आपने स्क्रिप्ट पढ़ी आपको आपने खुद ही बोला कि आपको कन्विंसिंग की जरूरत पड़ी, लेकिन फैंस के बारे में सोच के कि आपको कहीं लगा कि वो लोग कॉमेडी एक्सपेक्ट करेंगे, ये फिल्म में कॉमेडी इतना नहीं है शायद, आपके कोर फैंस डिसअपॉइंट हो जाए? सर मुझे ऐसा नहीं लगता है कि देखिए सबसे पहले तो हम एक इंसान हैं, मेरी ड्यूटी भगवान ने लगाई है लोगों को हंसाने की, आप जर्नलिस्ट हैं, पर बीइंग एक एक इंसान होने के नाते हम सब में सब तरीके के इमोशंस हैं, यू नो समटाइम्स वी आर हैप्पी समटाइम्स वी आर अपसेट। और ये फिल्म करने के पीछे मुझे भी लगा क्योंकि मैं टीवी पे लोगों को दो घंटे हंसाता हूँ है ना, पर जरूरी नहीं है कि मैं 24 घंटे उस मूड में होता हूँ। सो जो हमें प्यार करने वाले लोग हैं वो दिल से कनेक्ट करते हैं, इसीलिए शायद आज 10 साल से हम लोग टीवी पे रेगुलर वो अपना शो चला पा रहे हैं। सो आई थिंक जो लोग दिल से कनेक्ट करते हैं वो शायद आपको ज़्यादा जज नहीं करते हैं, और मुझे भी ऐसा लगता है कि लोग कॉमेडी में देखना चाहते हैं कि मैं और कॉमेडी करूं, और वो तो टीवी पे हम लोग करते हैं, लेकिन ये फिल्म में शायद वो ज़्यादा खुश होंगे क्योंकि उन्होंने शायद ऐसे किरदार में इतना सीरियस गंभीर भाव में कभी मुझे देखा नहीं है। सो मैं एक जैसे मैंने पहले कहा ना कि हमें लग रहा है कि ये हमारे हिंदुस्तान की ऐसी कहानी है, मुझे एक किस्सा याद है जब हम लोग साउथ कोरिया में थे बुसान में, तो मैं और मेरी वाइफ ऐसे साइड पे जो दो सीट होती वहाँ पे बैठ के देख रहे थे, और वहाँ पे बहुत कम रेयरली 3-4 इंडियंस थे, तो एक लड़की बैठी हुई थी जर्नलिस्ट भी थी वो, एंड शी सडनली स्टार्टेड क्राइंग, तो मेरी वाइफ ने बोला वो देखो लड़की रो रही है, तो मुझे लगा यार इसको मेरी परफॉर्मेंस तो नहीं खराब लगेगी, ये क्यों रो रही है? तो फिर जब हम लोग यू नो एक उनके साथ कॉन्वर्सेशन करना शुरू किया तो उस कंट्री को देख के लगता था कि यार इनका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा है, सड़कें इतनी साफ है, सब कुछ मतलब सब कुछ अच्छा अच्छा वाला, आउटस्कर्ट्स में हम लोग को जाने का मौका नहीं मिला, लेकिन उन्होंने बोला कि सर हमारी कंट्री में भी ऐसा हुआ है, ऑब्वियसली ग्लोबली ऐसा हुआ, बहुत सारे लोगों की जॉब्स गई। सो इमोशन कहीं ना कहीं यू नो एक फैमिली एक इमोशंस हर जगह यूनिवर्सली सेम ही है। सो अगर वो लोग कनेक्ट कर सकते हैं जो उनको तो पता ही नहीं था कि मैं कॉमेडियन हूँ या कौन, उन्होंने पहली बार मुझे देखा, सो जो लोग हमें जानते हैं आई थिंक उनको भी मजा आएगा। इसमें मैं थोड़ा सा जोड़ सकती हूँ एक छोटी सी बात, जैसे टोरंटो में भी फेस्टिवल मैं कई बार जा चुकी हूँ अपनी पुरानी दूसरी फिल्मों के साथ, पर इस बार जब मैं गई तो कपिल के बहुत सारे फैंस आए जो कभी शायद फेस्टिवल में नहीं आए, तो मैं भी सोच रही थी पहली हमारी स्क्रीनिंग थी, मुझे लगा कि अच्छा इनका क्या रिएक्शन होगा, इन्होंने तो इस तरह की फिल्में ही शायद नहीं देखी है, वो क्या डिसअपॉइंट जो आपने बताया कि डिसअपॉइंट हो गए, और उनके जब उन्होंने सवाल करने शुरू किए या उनसे जब बात हुई आखिर में वो बहुत ही इनफैक्ट खुश थे, उन्होंने कहा कि उस रूप में तो हमने उनको देखा है, एक नए रूप में देखने की जो हमारी एक क्यूरियोसिटी थी तो डिसअपॉइंटमेंट का एक्चुअली उल्टा हुआ कि उन्होंने एक अलग रेंज में देखा। तो हम लोग कई बार ये सोचते हैं कि हमें ऐसा है तो हम वही देखते जाएं, पर अगर हम जैसे मैंने पहले भी कहा खुले दिमाग से देखें तो आपको एक नए अवतार में दिखेंगे ये जो शायद पहले आपने कभी नहीं देखे। जैसे मैंने जब शादी की ना तो मुझे भी डर लगा था, मैंने आज तक कभी शादी नहीं की, करनी चाहिए या नहीं, अच्छा होता है कभी कभी कुछ नया करना। Is that we don't see enough of you. Do you always wait for such subjects that touch people's heart, which are said soulful, like I said, and that is why we don't see so much of you on screen? Thank you, firstly. And I think मेरा भी जवाब सचिव भाजी ने सही है कि मैं दिल से ही चीजें, मेरे कोई स्ट्रैटेजी कभी रही नहीं है, और जो भी चीजें आती है स्क्रिप्ट आती है दिल, मेरा दिमाग तो उसमें चलता ही नहीं है, जहाँ अंदर से एक फीलिंग आती है कि इस चीज़ को करना है तो ही मैं करती हूँ, चाहे वो मेरे दोस्त बना रहे हो चाहे वो कोई और बना रहा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इट्स लाइक अंदर से एक आवाज़ आती है कि करना है या नहीं करना है। तो वो शायद बचपन से ही था, बिल्कुल शुरुआत से मेरे लिए वही मेरा गाइडिंग फोर्स रहा है, एंड शायद दैट हैज़ लेड मी टू मेक एंड डू वर्क दैट फिट्स मी एंड दैट आई फिट। तो अब उम्मीद ये है कि मैं और काम करूं, मैं भी चाहती हूं और काम करूं और लोगों के सामने आऊं काम लेके, लेकिन ये है कि वो फिट होना चाहिए, वो एक जो एक एक क्रिएटिव एक सोल की नीड होती है एज एन एक्टर वो पूरी होनी चाहिए, और मेरे लिए ये कोलैबोरेटिव प्रोसेस है, हम जो देखते हैं वो एक चीज़ है लेकिन मेरे लिए ये
जो मजा है फिल्म एज एन एक्टर वो ये है कि हम सब साथ में किस तरह से काम करते हैं. उस दौरान जब हम शूट कर रहे हैं वो क्रिएटिविटी जब साथ में बिखर रही है, फैल रही है, बन रही है, वो जो प्रोसेस है, जो मैजिक होता है, उसमें मुझे ज़्यादा दिलचस्पी है. तो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि कौन से लोग हैं, क्या है वो जो एक्सपीरियंस है वो मेरे लिए वो मुझे पुल करता है, आकर्षित करता है टूवर्ड्स अ प्रोजेक्ट. तो यहाँ पे तो दिस वॉज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी बिकॉज नंदिता के साथ मैं पहले काम कर चुकी हूँ एंड आई लव वर्किंग विद हर. लाइक शी सेड, एज अ ह्यूमन बीइंग एंड एज अ डायरेक्टर आई थिंक शी इज फैंटास्टिक. एंड उनके साथ फिर से काम करने का मौका, ये तो मैं वेट ही कर रही थी कि मुझे लगा मिलेगा कि नहीं, पता नहीं. तो आई एम ग्लैड कि उनकी थर्ड फिल्म तक मुझे मिल गई अपॉर्चुनिटी. और कपिल के साथ जब उन्होंने मुझे बताया भी था, कहीं मुझे ये लगा कि हाँ ये अनयूजुअल चॉइस है लेकिन फिट कर रहा है, पता नहीं क्यों. एंड जब उनसे मिली तब तो मैंने कहा ओके, ये बिल्कुल ही मतलब इट्स द मोस्ट ऑब्वियस, लेकिन आपकी आंखों के सामने है वो चॉइस, लेकिन आप कभी सोचेंगे नहीं. ओनली समबडी लाइक केमिस्ट्री भी बहुत फैंटास्टिक है फिल्म में, जो क्योंकि इंसान अच्छे हैं ना, वही लड़कियों के साथ मुझे हो ही जाता है. एक आपके साथ नंदिता जी with due respect, like I said, she's a fantastic actress, but we have seen how well you directed Firaaq, Manto, लेकिन आपकी फिल्मों में हम आपको as an actress नहीं देखते. Do you how about you ever considered directing yourself on screen along with these lovely people? And along with that, I would like a word on from Sameer Nair sir also of choosing Zugato as your first theatrical release. Sure. Yeah, I mean, I don't think I've considered, but sometimes I've been told कि अरे ये role तो तुम कर सकती हो, क्यों नहीं करती हो? जिसने भी मुझे set पे देखा है, और अभी ज्यादा नहीं है, यही दो है जिन्होंने सेट पे देखा है, तो वो आपको बता सकते हैं कि मैं बिल्कुल भी अपनी फिल्म में नहीं कर सकती, क्योंकि मैं पागल हो रही होती हूँ. उस समय बहुत सारी चीजें करने की होती हैं एंड मैं हर डिपार्टमेंट में घुसी हुई होती हूँ. आई एम अ वेरी हैंड्स ऑन डायरेक्टर एंड एवरीथिंग. तो मेरे लिए वो उसके सामने आना और फिर अपने बाल ठीक करना और फिर उस मार्क पे आना, जो अटेंशन एक एक्टर को भी चाहिए, यू नो, पूरे उस कैरेक्टर में घुस जाना, वो अभी तक तो नहीं हुआ. बट होपफुली मैं धीरे धीरे, अभी तो मेरी तीसरी फिल्म है तो जैसे ज्यादा करूंगी तो शायद हो सकता है. ऐसी एक कहानी है वैसे, अब आप पूछ रहे तो बता दीजिए. एक कहानी है पर अभी पता नहीं वो कब होगी. अगर सभी नया प्रोड्यूस करेंगे तो शायद करेंगे. कपिल सर आपने कहा कि एक सेकंड प्लीज, अधूरा सवाल जवाब. पहली रिलीज यानी अभी अच्छी है, पिक्चर बन गई, रेडी है, प्लान था रिलीज करने के लिए तो वो कर रहे हैं. जस्ट ऑन व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट कॉमेडी, यू नो दैट कॉमेडी एंड मूवीज, हम लोग जुगाटो को ऐसे नहीं देखते हैं कि ये कुछ नीश पिक्चर है या कुछ इंडी या आर्ट हाउस या कुछ है. यू नो इट्स अ वेरी मेनस्ट्रीम पिक्चर, इट्स अ वेरी, यू नो, हम सब की कहानी है. इट्स अ वेरी ब्रॉड बेस्ड पिक्चर, सो वी वांटेड इट टू गो टू द थिएटर ताकि ज्यादा लोग देख सकें एंड ज्यादा वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड, यू नो, कि व्हाट दिस इज अबाउट. इट इज नॉट अ सैड पिक्चर, इट्स नॉट अ कॉमेडी नाइट्स विद कपिल, but it's a new kind of observational comedy about all our lives. So Kapil sir, hello. I'll come to you ma'am, ek minute aa raha hu. Kapil sir, aapne kai baar zikr kiya, baaki team ne bhi zikr kiya ki jo kuch bhi kar rahe hain dil se kar rahe hain aur wo dikhta hai dil se kar rahe hain. Film ke bare mein ye bhi kaha gaya ki aam aadmi ka kahani hai aur trailer ke madhyam se bhi nazar aata hai. Kya paigham dena chahte hain aap? Jab main audience ki baat karta hu, aam aadmi ki baat karta hu, और हर वो आदमी इसे रिलेट कर सकेगा, ऐसा ट्रेलर से महसूस होता है. क्या मैसेज देना चाहिए फिल्म, ये सवाल. और आपके लिए, जैसे आपने कहा कि आप भुसान में थे जहाँ लोग आपको जानते नहीं थे, लेकिन आपने देखा आपकी वाइफ ने बताया कि देखिए वो रो रहे हैं. क्रिटिकली इतना इम्पोर्टेंट है आपके परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट करा जाना, वो कितनी उम्मीद है आपको? जी सर, पहले तो ये कि ये फिल्म की जो कहानी है, जैसे समीर सर ने कहा कि इसमें आपको कहीं हंसी भी आएगी, कहीं आप सीरियस भी हो जाएंगे, कभी आपको उसके साथ एक हमदर्दी भी होगी. सारे रंग हैं जो जिंदगी में होते हैं. और बाकी इसमें मैसेज ये है कि शायद हम सबकी जिंदगी में, यू नो, जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, ऐसा नहीं कि सबकी लाइफ बड़ी स्मूथ चल रही है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपने अपने लेवल पे सबकी जिंदगी में कुछ हर्डल्स आते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं. लेकिन उसको लेके बैठ जाना और उसी को लेके रोते रहना, ये भी जिंदगी नहीं है. सो आगे बढ़ते जाइए, अपना काम करते जाइए. कुछ चीज़ें जो आपके कंट्रोल में नहीं है, सो उसका आप कुछ कर नहीं सकते हो. सो आप यू नो, आप अपना काम करते जाइए शिद्दत से, कहीं ना कहीं भगवान को अपना काम करने दीजिए. तो ये इस फिल्म में आपको देख के सारे रंग जो है देखने को मिलेंगे.
और दूसरा सब मैं भूल गया। क्रिटिकली क्रिटिकली कितना इंपॉर्टेंट है, जैसे आपने जिक्र किया कि आपकी पत्नी ने कहा कि देखिए वो रो रहे हैं, जबकि वो लोग आपको एज ए कपिल शर्मा नहीं जानते हैं जी। और लेकिन फिर भी वो आपके परफॉर्मेंस से, आपके टीम के परफॉर्मेंस से बहुत मुतासिर हैं। आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है आपके परफॉर्मेंस को स्पेसिफिकली क्रिटिकली अक्लेम मिलना? सर मुझे लगता है कि मुझे शायद एप्रिसिएशन नहीं मिले, लेकिन इस किरदार को एप्रिसिएशन मिलनी चाहिए। अगर आप उस किरदार को देख रहे हैं, अगर आप उसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं, अगर उसको एप्रिसिएशन मिल रहा है मानस को, तो आई थिंक वो कहीं ना कहीं यू नो मैं खुश होऊंगा कि हाँ यार मैं उस किरदार को सही से निभा पाया। सो बाकी लोग प्यार तो पिछले 15 साल से कर रहे हैं, लेकिन ये जो है इसको देख के मैं खुद जब मैंने अभी ट्रेलर देखा, सो मैंने पहला ट्रेलर जो आया वही देखा था, और बड़ी स्क्रीन पे मैंने भी आज पहली बार देखा है। सो आई थिंक मैंने बहुत अच्छा काम किया। थोड़ा एक्सक्यूज मी जस्ट वन लिटिल थिंग, जो आप पूछ रहे हैं ना क्यों बनाई, इसका मैसेज थोड़ा भारी भरकम शब्द है, लेकिन क्यों बनाई कि बहुत सारे ऐसे जो आम लोग जिसको हम कहते हैं, जो नेमलेस फेसलेस हो गए, जो दिखाई भी नहीं देते, उनकी कहानियां नहीं दिखाई देती है पर्दे पे, उनको हम कैसे वापस पर्दे पे लाएं, उनकी कहानियां कैसे देखें, इसका अगर आप एक फिल्म का मेन मकसद अगर आप सोचेंगे तो ये हम सबके लिए शायद मैं जो हमने कोविड के थ्रू भी देखा है, सीखा है, और हम एक दूसरे को देखना बंद कर दिया था। मतलब एक आस पास के लोगों को हमने ऑलमोस्ट एक मतलब अपनी जिंदगी में इतने धुत हो गए थे कि आस पास की जिंदगी दिखती नहीं थी। तो यहाँ पे इंसानियत के तौर पे हमदर्दी वापस जताना या लोगों में महसूस कराना, आई थिंक दैट्स आल्सो अ वेरी की पार्ट। और जिस तरीके से जैसे शानू ने कहा, मैम ने कहा कि जब पेंडेमिक था, यू नो हमारे पास और कुछ करने के लिए नहीं था, तब हम छोटी छोटी चीजों को नोटिस करना शुरू किया। एक डोमेस्टिक हेल्प हमारे घर में कितनी इंपॉर्टेंट होती है। आप सोचिए अगर आपके घर का कोई डस्टबिन उठाने ना आए 6-7 दिन तक, तो आपकी होश ठिकाने आ जाएगी। और हम लोग इतना फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, हम कभी उनको थैंक यू नहीं बोलते, या शायद उनकी शक्ल भी नहीं हमें पता होती है कि कौन आता है। सो मुझे लगता है कि जो हम वो 2-3 साल पैंडमिक के दौरान रहे, अगर वो हमारा बिहेवियर जो है ताउम्र आ जाए हमारे अंदर, कहीं ना कहीं प्रैक्टिस करने से आ जाएगा आई थिंक, वो अगर रहे तो जिंदगी बहुत खूबसूरत हो सकती है। और हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए अगर किसी को थैंक यू बोल दें, तो आप यू नो उसका भी एक परिवार है, उसको भी गर्व होगा कि मैं भी आज कुछ काम करके आया हूँ। सो मुझे लगता है कि ये फिल्म से भी लोगों को शायद अगर 2 लोग भी ये चीज सीख गए, तो शायद हम समझेंगे कि हम कामयाब हैं। जी मैम, आ रहा हूँ मैम, मैं I'll come to you. एक सेकंड, I'll come to you. जी, you wanna ask something? पाजी, I'll come to you. Yeah, 2 minutes. Nandita, here on your left. Here. To ask you, is there a larger story? I mean, how it's relevant? Is there like a larger picture, like unemployment during pandemic that has been rising even now? Is there something? I mean, definitely there's a lot of anxiety, not just in India but world over, about unemployment. You know, ये सबकी दिक्कतें हैं। या तो आप unemployed हैं, या जो काम कर रहे हैं, जैसे कपिल ने भी पहले बताया था कि जो आप काम नहीं करना चाहते हैं मजबूरी में कर रहे हैं। You know, so this is a global anxiety. This is in our country as well, and this is a film that addresses it. और especially जो हमारे पुराने जो traditional working spaces थे, जहाँ पर कॉलीग्स होते हैं, आपके साथ काम करने वाले 10 लोग होते हैं, कुछ अच्छा नहीं हुआ तो आप उनसे शेयर कर सकते हैं, आपके पास बॉस होते हैं, कुछ आप उनसे अगर कोई दिक्कत है तो शायद उनके पास जा सकते हैं। ये जो नए जो गिग इकोनॉमी की वजह से एक जो नया फॉर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, जो अच्छा भी है क्योंकि बहुत लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल भी रहा है, लेकिन उसके साथ उसके अपने चैलेंजेस भी हैं। आप अकेले चले जा रहे हैं, आपके पास बस एक फोन है, और यू नो हमारे जैसे देश जहाँ पर इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी और इस सब का इतना पता नहीं है, या ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, तो बहुत दिक्कतें आती हैं। तो इसमें एक टेक्नोलॉजी और एक ट्रेडिशनल सोसाइटी, इसका जब एक मिक्सअप हो जाता है तो कुछ अलग सी चीज हो जाती है, अलग से नए नए चैलेंजेस आ रहे जो हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम उससे कैसे जूझे। सो इट्स ऑल्सो अबाउट दैट वर्ल्ड, बट यस इट्स डेफिनेटली एड्रेसेस नॉट जस्ट इन देयर कैरेक्टर्स बट पूरे कॉन्टेक्स्ट में एक वो अनएम्प्लॉयमेंट की एक एंग्जाइटी शायद आपको दिखेगी जो आप रिलेट कर पाएंगे। हेलो, वी डिड टू लास्ट क्वेश्चन राइट। आई सक्सेना, आरती सक्सेना, हेलो जी, क्या चल रहा है? बहुत खुशी हो रही है आपको देख के। शुक्रिया आपके दिनों के बाद।
तो मैं देख रही हूँ कि आप जब कपिल शो करते हैं तो आपके चेहरे पे खुशी और बिना डर का माहौल होता है, और आज आपके चेहरे पे मुझे इतना डर दिखाई दे रहा है, और आप इतने टेंस दिख रहे हैं, आप मतलब आपके चेहरे पे हंसी ही नहीं है, तो वो हंसी कहाँ आई? आई थिंक मैं बड़ा समझदार आदमी हूँ, जिस तरह जैसा माहौल हो वैसा हो जाता उस शो में। देखिए जैसे मैंने पहले कहा, वहाँ पे हमारा काम ही यही है कि कोई सीरियस बात भी कर रहा हो तो उसको भी मैं मोल्ड करके उस तरफ ले जाऊँ। तो आई थिंक ये बातें यहाँ पे फिल्म को लेकर हो रही थी, तो इसलिए मैं थोड़ा गंभीरता से सुन रहा था, क्योंकि आपको ऐसा तो नहीं कि डर लग रहा है कि मेरी फिल्म रिलीज हो रही है तो इस तरह से? नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी डर वाली बात नहीं है, बट हाँ मैं गंभीरता से सुन रहा था सब बातें। इतने इंटेलेक्चुअल लोग मेरे ग्रुप में कम ही है, तो मैं इसलिए ध्यान से सुन रहा था कि नंदिता जी क्या बोल रही हैं। मुझे ये पूछना था, हमेशा से मेरे दिल में सवाल है ये कि आप है ना एक्टर और कॉमेडियन से अच्छे सिंगर भी हैं, तो किसी फिल्म पे नंदिता जी को ही आपको एक चांस तो देना चाहिए था। हेलो हाय, हाँ जी कपिल जी, रूना फ्रॉम वेस्ट इंडिया। एक तो आपको बहुत सारा धन्यवाद, कोविड ने सिखाया कि धन्यवाद बोलना सिखाया, वैसे मैं आपको धन्यवाद बोलना चाहती हूँ। दिन की शुरुआत बड़ी खूबसूरत होती है क्योंकि आपका कहीं ना कहीं कोई ना कोई वीडियो आ ही जाता है, तो मन प्रसन्न हो जाता है। यहाँ पर बात आती है, आपके बोलने में पंजाबियत बहुत ईजिली झलकती है, जो देखने में आती है और समझने में भी आती है, विच इज नेचुरल ऑल्सो एंड सुंदर भी लगती है। यहाँ पर बात आती है जब आपके रोल की, तब इसमें एक यूपी का एक्सेंट लिया है, तो ये किस तरीके से आपने अपने आप को मोल्ड किया, क्या ये डिफिकल्ट था? और ये माफ कीजिए, मैंने कहा झारखंड, लेकिन जैसे होता है कि उड़ीसा में भी है, अलग अलग जगह काम करते हैं, पर हाँ पंजाबी नहीं है। सो ऐसे में डायरेक्टर साहिबा ने कितनी मदद की, क्या आपने किसी को देखा और कोई नोट करते हैं ना, नोटिंग करते हैं कि चलिए ऐसे लेते हैं? थैंक यू, वेरी नाइस क्वेश्चन मैम। मुझे नंदिता मैम ने इतनी लिबर्टी दी थी स्टार्टिंग में कि अगर आप इसमें कंफर्टेबल नहीं है तो हम इस प्लॉट को कहीं और भी शिफ्ट कर सकते हैं, बिकॉज हर जगह डिलीवरी बॉय, हर जगह ये कहानी है। तो मैंने कहा नहीं, फिर मुझे क्या फायदा हुआ नंदिता दास के साथ काम करने का, आप करवाओ मुझसे जो आप करवाना चाहते हो। तो इतना मुश्किल नहीं था। अगर आप देखो हमारे हिंदुस्तान की खूबसूरती क्या है, हम बोलते हैं कि हमारी जो हिंदी भाषा है, आप किसी भी स्टेट में चले जाओ, पंजाब वालों की हिंदी जो है वो समझ में आ जाएगा आपको, ये पंजाबी आदमी हिंदी बोल रहा है। यूपी वालों की हिंदी अलग है, बिहार वालों की अलग, मध्य प्रदेश की अलग है, बेंगलोर वालों का अलग है, सब है ना मुंबई की, तो सब लोग अपना एक लोकल तड़का लगाते हैं। सो इसमें जो एक्सेंट, जो उसका कैरेक्टर का जो लिंगो है, जो भी आप कह लें, वो है कि वो घर में है जब शायद अपनी बीवी से, तो टिपिकल उस लहजे में बात करता है, बच्चे उसके शायद कुछ अच्छे स्कूल में पढ़ा रहा है, वो कोशिश कर रहा है कि अच्छे स्कूल में जाए, उनके साथ वो हिंदी में बात करता है। जब बाहर क्लाइंट को डिलीवर करने जाता है तो जिस तरीके का क्लाइंट है थोड़ी इंग्लिश भी बोल लेता है, क्योंकि वो शायद पहले कोई और अच्छी जॉब पे था। सो इतना मुश्किल नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग हम समाज में हमारे हर तरह के दोस्त भी होते हैं, मेरी टीम में भी, मेरे शो में भी बहुत सारे लोग हैं जो झारखंड से, इनफैक्ट एक लड़का मानस भी है हमारी टीम में, शायद आया भी होगा, आया। तो कहीं ना कहीं आपकी, मुझे लगता है ट्रेनिंग तो बचपन से चल रही होती है, यू नो, और हिंदुस्तान बेस्ट है, मुझे लगता है किसी ड्रामा स्कूल जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप हिंदुस्तान में पैदा हो जाओ ना, तो बड़ी सारी चीजें आपके साथ वैसे ही आ जाती है, वैसे ही सीख जाते हो, सो इतना मुश्किल नहीं था। हेलो हेलो, ऑल राइट, सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर यू लेडीज एंड जेंटलमैन, चिल्ला लो भाई, आप लोगों की खास फरमाइश हो रहा है, आपने मेरे लिए गाना याद है जो शूट शूट पे है, मैं बराबर हूं, मैं ऐसे कैसे रहूंगा, नहीं कोई नहीं, वो अभी बहुत सारे इवेंट करेंगे, कहीं मैं बताऊंगा आपको, ऐसा ऐसे कुछ याद नहीं है। हाँ जी, आपको तो समझ में आ जाएगा, आप पंजाबी हो, वो पंजाबी सॉन्ग है, बाकी उनको कैसे पता चलेगा। आपने मेरे लिए गाया था, याद है, मैं आप सबके लिए गाता हूँ कि आप सबके लिए एक लाइन कहना चाहूंगा कि तुम आ गए हो
पाँव से लो जा रही थी ऐसे यार शुक्रिया और इस फिल्म के को अच्छे से प्रमोट करिएगा क्योंकि हमें अच्छी अच्छी कहानियां जो ऐसी बननी चाहिए तो मैंने भी दिल से इस फिल्म में काम किया हम सब ने दिल से फिल्म बनाई है सो आई होप आप सब लोग एंजॉय करेंगे शुक्रिया थैंक यू सो मच एक बार वापस से